तो दोस्तों मैं आज एक टिपिकल हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, द विक। इसका एक और नाम है स्केरी हेयर्स। इसकी स्टोरी ज्यादा स्केरी नहीं है, लेकिन इसकी स्टोरी कुछ डिफरेंट है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। सो इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने के पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जियांग है, और वो एक हॉस्पिटल आती है क्योंकि उसकी सिस उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी इसीलिए। और जियांग बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसके एक एक्सीडेंट में गले में एक रॉड चला जाता है जिससे उसकी वॉइस चले जाती है। वो डॉक्टर से कहती है कि वो उसके सिस को घर ले जाना चाहती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसकी सिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है जिससे वो उसे घर नहीं ले जा सकता। असल में उसके सिस सुयोंग को कैंसर था और वो भी लास्ट स्टेज में। लेकिन जियांग सोचती है कि ये उसका लास्ट टाइम वो सुयोंग के साथ स्पेंड करना चाहती है, जिससे वो अपने सिस को हॉस्पिटल से घर ले जाने आती है। और सुयोंग से झूठ कहती है कि वो अब ठीक होने लगी है और डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन असल में क्या है हमें पता है। और सुयोंग पूरी ब्लड हो चुकी थी जिससे जियांग उसे एक विग लाती है, लेकिन सुयोंग वो विक अपने पास रख लेती है और ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं। अब घर आने के बाद सुयोंग अपने फेस मिरर में देखती है। कैंसर के कारण उसके फेस पर व्रिंकल्स आ गए थे और उसके बाल भी चले गए थे, इसीलिए वो विक पहन लेती है। वो विक पहनते ही उसके फेस पर व्रिंकल्स चले जाते हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और सुंदर फील करने लगती है, पहले जैसी स्मार्ट हो जाती है। वो दिन जियांग का बॉयफ्रेंड उसके घर डिनर के लिए आता है। हम देखते हैं कि जियांग उसके बीएफ के घर आने से कुछ हैप्पी नहीं थी। अब यहाँ सुयोंग अपने सिस के बीएफ सियुक के साथ फ्लर्ट करने लगती है और कुछ अलग सा बिहेवियर करती है और कहती है कि अगर तुम्हें जियांग पसंद नहीं है तो तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ सकते। अब ये सुनकर उसकी सिस और सुयोंग दोनों शौक हो जाते हैं। अब ये दोनों बहने वेकेशन पे जाते हैं और वो लोग फोटो क्लिक करने एक लड़की को देते हैं। वो लड़की देखती है कि सुयोंग के बाल हवा में उड़ने लगे हैं, वो भी ऊपर की तरफ, जबकि वहाँ हवा भी नहीं चल रहा था। इसे देखकर वो लड़की डर जाती है। जब ये लोग घर जा रहे थे तब रास्ते में सुयोंग कहती है कि वो अब तक थकी नहीं और वो ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही है। तभी उसे वहाँ कुछ हेलुसिनेशन आते हैं जिससे वो डर जाती है। अब ये घर आने के बाद जियांग उसे उसकी दवाएं देती है, लेकिन सुयोंग उसे नहीं खाती। हमें पता चलता है कि सुयोंग काफी समय से उसकी दवाएं नहीं ले रही है क्योंकि वो सोच रही है कि वो अब ठीक होने लगी है। इसके बाद जियांग अपने पास के बारे में सोच रही थी जिसमें वो अपनी एक पेंटिंग को आर्ट गैलरी में रखती है और सुयोंग को कॉल करती है, लेकिन वो नहीं आने से जियांग घर जाने लगती है। तभी रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर के सामने एक गोश्त आता है जिससे वो ब्रेक लगाता है। इसके पीछे जियांग की ही कार थी। तभी उसके गले में एक रॉड घुस जाती है जिससे उसकी वॉइस चले जाती है। तभी वहाँ सुयोंग आती है और उसे उठा देती है और कहती है कि वो बाहर घूमने जा रही है। सुयोंग बाहर एंजॉय करती है और जब ये घर आ रही थी तब उसके बस के विंडो के सीट के ग्लास में हम एक अजीब गोशली फिगर देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि सुयोंग अब पोजेस हो चुकी है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग की फ्रेंड युआन जो उसके घर आती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके साथ चीट कर रहा था जिससे वो काफी ज्यादा स्ट्रेस थी, और वो सुयोंग की विक देखती है और उसे पहन लेती है। तभी वो काफी रिलैक्स फील करती है जिससे कि वो इस विक को अपने साथ ले जाती है थोड़े दिन के लिए। अब यहाँ विक नहीं पहनने के कारण सुयोंग की हेल्थ खराब होने लगती है और वो भी ज्यादा वीक होने लगती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। फिर सुयोंग उसे विग लाने को कहती। जियांग उसकी फ्रेंड को कॉल कर रही थी लेकिन वो लिफ्ट नहीं करती। नेक्स्ट डे जब जियांग अपने नींद से उठती है वो देखती है कि सुयोंग फिर से हेल्दी दिख रही है और घर में अच्छे से एंजॉय करने लगी है, और उसका विग भी उसके पास था, लेकिन ये उसके पास कैसे आया उसे पता नहीं था। जब भी उसे एक कॉल आता है डिटेक्टिव का, जब वो डिटेक्टिव के पास जाती है तो उसे वो कहता है कि उसकी फ्रेंड की मौत हो चुकी है, और जो कि कुछ अजीब तरह से जैसे लगता है कि उसे कोई बालों से मार दिया। अब यहाँ ये लोग एक क्लब में जाते हैं, वहाँ भी सुयोंग अपने सिस के बीएफ के साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर जियांग बहुत सैड हो जाती है, और सुयोंग जब वॉशरूम जाती है तो उसे उसके मिरर से एक गोशली फिगर दिखता है जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी वहाँ जियांग आकर उसे अपने साथ घर ले जाती। जियांग अब हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से कहती है कि उसकी सिस को हेलुसिनेशंस आ रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि टैबलेट के कारण उसे ऐसा होने लगा है। अब यहाँ जियांग सीओ से मिलने जाती है, लेकिन अब वो लोग ब्रेकअप कर लिए थे। जियांग के जाने के बाद वहाँ सुयोंग बारिश में भीगते आती है। सुयोंग तभी जियांग को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि वो यहाँ आई है और वो इसे घर पर ड्रॉप कर देगा। तभी सुयोंग सुयोंग को फोर्सली किस करने लगती है जिससे सुयोंग जियांग को कॉल करके
कह देता है, जिससे वो घर आकर अपने सिस को ले जाती है। और वो इसके लिए काम से दुखी थी। अब घर में स्वयं काफी समय से वॉशरूम में थी, जिससे ज्यूम उसे देखने जाती है। वो देखती है कि स्वयं उस विक के बाल बना रही है और वो भी एक गोश्त जैसा दिख रहा। ज्यूम देखकर डर जाती है, लेकिन स्वयं तो नॉर्मल थी। अब यहाँ ज्यूम को पता चलता है कि इस विक के कारण ही ये सब हो रहा है, जिससे ज्यूम उस विक को स्वयं से निकाल कर उसे कट कर देती है। इसके कारण अब स्वयं की हेल्थ खराब होने लगती है। ये लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। यहाँ डॉक्टर कहता है कि पहले जब वो टेस्ट कर रहे थे तब उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगे थे, अब उसकी हेल्थ काफी तेजी से खराब होने लगी है। अब यहाँ सुयुग को टैबलेट्स देते हैं, लेकिन वो टैबलेट्स नहीं खाती। तभी उसे हेलुसिनेशन आता है कि जिससे वो इस टैबलेट को लेकर अपने सिर में होल कर उसे बाहर निकाल रही है। ये दिखने में काफी डरावना था। इसके बाद वो हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाती है, जिसे देखकर जीवन बहुत सैड हो जाती है और विक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने जाती है। तब वो फैक्ट्री में जाती है तो उसे पता चलता है कि ये विक मरे हुए लोगों के बालों से बनाया जाता है, स्पेशली सुसाइड करने वाले लोगों के बालों से। और ये विक बनाने के टाइम ही इस विक बनाने वाले की भी मौत हो गई है और उसकी बेटी भी गायब हो जाती है। इसीलिए जब जियोन वहाँ देखने जाती है तो उसे वहाँ उसकी बेटी मिलती है और वो कहती है कि ये किसी मरे हुए इंसान के बालों के नहीं बल्कि जिंदा इंसान के बालों से बनाया गया है। और वो लड़का इसी की लड़की के बैच का था, जिसका नाम हिजू था, और सियुक भी उनका टीचर था। और ये लड़का एक गे था। इसके बाल बड़े होने के कारण उसके क्लास के स्टूडेंट इसे बहुत सताते थे, लेकिन सियुक उसे अच्छे से ट्रीट करता था। अब धीरे धीरे इन दोनों में एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है और ये दोनों अब रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद सियुक को जियुम मिलती है, जिससे अब ये दोनों साथ थे। इन्हें देख के ही हिजू को अच्छा नहीं लगता। अब सियुक जियुम के साथ शादी करने वाला था और यहाँ उसके क्लास के स्टूडेंट हिजू को मारते हैं और उसके बाल कट कर इस फैक्ट्री में बेच देते हैं। जब हिजू को पता चलता है कि सियुक की शादी होने वाली है तो वो कॉलेज के छत पर सुसाइड कर लेता है। अब यहाँ जियुम को पता चलता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे और सियुक ने भी इन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, इसीलिए सियुक कॉलेज चेंज कर लेता है। अब यहाँ हिजू एक गोश्त बनकर जियुम को मारने का ट्राई करता है, लेकिन उससे उसकी वॉइस चले जाती है। हिजू के कारण ही सियुक जियुम से ब्रेकअप कर लेता है। अब यहाँ सुयोन हिजू की मैरिज ड्रेस पहन लेती है और वो पूरी तरह से हिजू बन रही। तभी जियोन सुयोन के घर आती है और सुयोन को मैरिज की गाउन में देखती है। अब ये उसका विग निकालने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन यह सुयोन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, इसीलिए अब यहाँ सुयुक और जियुम दोनों विग निकालने की कोशिश करते हैं और उसका विग निकाल देते हैं और उसे जला देते हैं, जिससे कि हिजू के मेमोरीज भी खत्म हो जाते हैं और सुयुक नॉर्मल बन जाती है। जब ये अपनी बहन से मिलती है तो सुयुन कहती है कि अब उसके बाल आने लगे हैं और वो अच्छी दिखने लगी है, जिससे जियुम समझती है कि अभी भी हिजू की स्पिरिट इसके अंदर है। इसीलिए वो सुयुन को एक रूम में बंद कर देती है, लेकिन सुयुन उसे बाहर निकालने को कहती है, लेकिन वो नहीं सुनती और उसे मार देती है। तभी उसे उसका डॉक्टर का कॉल आता है, कहता है कि उन्हें पता चला है कि सुयुन काफी समय से अपनी दवाएं नहीं ले रही है, इसीलिए वो थोड़ी अच्छी दिखने लगी है और उसके बाल भी थोड़े आने लगे हैं। अब यहाँ जियुम को पता चलने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।